लेन देन के विवाद में एक बदमाश ने एक ड्राइवर को गुरुवार की सुबह गोली मार दी। सिर में गोली लगने के बाद युवक को उपचार के लिए संजीवनी अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मोती नगर में रहने वाले 27 वर्षीय लखन पिता मोहनलाल राठौर पेशे से टैक्सी ड्राइवर हैं। उसे डी मार्ट के पीछे रहने वाले रवि ठाकुर ने गुरुवार सुबह करीब 11 बजे देसी कट्टे से गोली मारकर गंभीर घायल कर दिया। सिर में गोली लगने के बाद लखन को पहले जिला अस्पताल लाया गया, जहां से परिजन उसे संजीवनी अस्पताल ले गए। लखन के पिता मोहनलाल राठौर ने बताया कि रवि से 7 महीने पहले 25,000 रुपए ब्याज पर लखन को वासु नामक व्यक्ति से दिलवाए थे। यह राशि लौटाने के लिए वह दबाव बना रहा था। बुधवार की शाम रवि रुपए लेने लखन के घर गया। पिता की मौजूदगी में रवि ने रुपए मांगे तो लखन ने रवि से कहा कि पहले वह उसके 37,000 रुपए लौटाए, यह हिसाब करने के बाद वह वासु का हिसाब करेगा। इस पर रवि भड़क गया और उसने देख लेने की धमकी दी। गर्मा गर्मी के बाद रवि तब तो चला गया, लेकिन गुरुवार को उसने फोन करके लखन को बुलाया और डीमार्ट के पीछे गोली मार दी। लखन टैक्सी ड्राइवर है, हालांकि 15 दिन से उसकी टैक्सी खराब पड़ी है। इसके चलते वह पिता मोहनलाल के साथ सांवेर स्थित ईंट भट्टे पर जा रहा था। रवि का कॉल आने पर वह भट्टे पर जाने का बोलकर घर से निकला था। डीमार्ट के पीछे राम की चाय दुकान पर लोगों को वह घायल हालत में मिला। पुलिस ने मामले में प्राण घातक हमले का प्रकरण दर्ज कर लिया है। रात को आया था रवि ठाकुर करके, रवि ठाकुर ने किसी से 25,000 रुपए दिलाए थे इसको, तो ये दे नहीं रहा था, फोन नहीं उठा रहा था, तो मिलके उसको बुला घर पे। तो फिर घर पे बुलाया, बैठ के बात की तो बोले तुम मेरे 37,000 रुपए का क्या, बोले कोई तेरी तरफ 37,000 नहीं है, तो बोले मेरी तरफ मेरे पास भी नहीं तेरे 25,000 रुपए, तूने उससे लेके दिया, तू मेरे को दे दे, मैं उसको दे दूँ। बोले तू बात कैसे कर रहा है। फिर मैं रात को तो ये फिर उसने बाहर निकला और बता कि मैं अब बताऊंगा तेरे को सुबह ही। ये डी मार्ट के सामने पीछे वो जो राम की चाय की गुमटी है उसके सामने ये सब पकड़ के बैठे थे। किस चीज़ से हमला हुआ है ये तो डॉक्टर साहब ने बताया ना, गोली मारी ना डी मार्ट के पीछे कहीं। ये लखन राठौर पिता मोहनलाल राठौर मोतीनगर का रहने वाला है, उसको डी मार्ट के पीछे गोली लगना बताया। अभी संजीवनी अस्पताल में भर्ती है ICU में, और कथन देने की स्थिति में नहीं है, तो बाकी जाँच के लिए अभी आया हूँ मैं, जैसी परिस्थिति आएगी सामने वैसा क्लियर करें। क्या घटना, क्या कारण सामने आया? प्राथमिक स्तर पे बता रहे हैं, परिवार से बातचीत करते हैं, लेन देन का कोई मैटर है इनका, उसी के चलते इनका विवाद हुआ है।